हेलो गाइस, सुमे नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन रखते। जो आज का टॉपिक हम टाइटल देख लो। अब गाइस, दो तीन दिन पहले मैंने एक इंस्ट्रक्शन वीडियो बनाई थी ऑक्टेवियो इसकी, बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 वर्जन 1.1 फॉर आर्मी 1। इसी रोम की रिव्यू वीडियो होगी। रोम ओवरऑल मुझे भाई मैं कह सकता हूँ ठीक है। कॉस्ट अभी आपको पता है जितनी भी एंड्रॉइड 11 की रोम्स है भाई सारी अभी डेवलपमेंट में है फॉर आर्मी 1। बट ये रोम मुझे आप कह सकते हो ठीक है, एक दो बग्स है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले भाई अवार्ड सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे भाई आपका डिवाइस नेम मी एवन जो ऑक्टेविया स्टेज है मतलब वर्जन 1.1 ऑफिशियल है, और ये एक तरह से आप कह सकते हो फर्स्ट रोम है ऑफिशियल ऑफ एंड्रॉइड 11 रोम फॉर मी एवन, जिसमें आपको आपका फेस अनलॉक भी इंप्लीमेंट मिलता है। वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और तो नीचे भाई आपका करंट वर्जन आ गया एंड्रॉइड 5 अक्टूबर का हो गया। करंट वर्जन तो आप हमेशा मैं प्रेफर भाई जो स्टॉक है मतलब डिफॉल्ट 4.9 जॉब स्टीमर का ट्यूटोरियल प्रो प्लस, वो मैं सारी कस्टमर्स में ही रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि यार आप कस्टम करंट भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बहुत कौन से अवेलेबल है, लूसीफर हो गया, बहुत कौन से अवेलेबल है यार, लाइटनिंग हो गया जो नया अपडेट आउट हुआ, वो आपकी चॉइस है। बट जो मैं प्रेफर करता हूँ जो आपका स्टॉक करंट जो आपका डिफॉल्ट करना वो ज़्यादा यार ठीक रहता है, क्योंकि डेवलपमेंट भी कोई सोच समझ के उसको इंप्लीमेंट करा होगा रूम के अंदर। ये तो सर आपका यहाँ पे अबाउट सेक्शन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं स्टेटस बार से। यहाँ पे देखो आपका वाईफाई ब्लूटूथ DND फ्लैशलाइट सब कुछ यहाँ पे आप वर्किंग, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत लोग मुझे कहते हैं भाई जब भी हम ये रोम यूज़ कर रहे हैं या एंड्रॉइड 11 की रोम्स यूज़ कर रहे हैं कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे जो मोबाइल डेटा वो वर्किंग नहीं है, उसका भी आपको मैं फिक्स बताता हूँ। बहुत लोगों के साथ दिक्कत हुई थी, आपको अपनी APN सेटिंग्स थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी मतलब ऐड करनी पड़ेगी। ये जो APN सेटिंग्स है मैं सिर्फ भाई जो जियो यूज़र्स हैं उनके लिए बताऊँ कि जो एयरटेल है मैं वो यूज़ नहीं कर रहा। मैं दोनों इस टाइम करंटली जियो की सिम ही यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और यहाँ पे आपका स्क्रीन कास्ट हो गया, वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। हॉटस्पॉट स्क्रीन रिकॉर्डर में यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो आप ओवरऑल कह सकते हो सब कुछ यहाँ पे आपका वर्किंग है। बट जो मेन यहाँ पे बात आती है कि भाई जो आपका मतलब चैट बबल्स वाला ऑप्शन है वो भी यहाँ पे आपका वर्किंग नहीं है अभी के लिए। वो तो जैसे थोड़े बहुत अपडेट्स आएंगे वो भी फिक्स हो जाएगा, बट इसमें वर्किंग नहीं है। नाइट लाइट हो गया, ये भी आपका वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो ये आपका अबाउट सेक्शन हो गया। एडिट में चल लेते हैं। एडिट में जाने का नीचे आपका लोकेशन इन्वर्ट डेटा सेवर स्विच डेटा कार्ड हो गया, यहाँ पे आपका रिबूट हो गया, और ऑडियो मोड हो गया, स्क्रीनशॉट हार्डवेयर कीज साउंड कैफीन ये सारा वर्किंग। हाँ, लाइव कैप्शन का भी इसमें ऑप्शन इंप्लीमेंट है, तो ये भी आपका वर्किंग है, ये आपका यहाँ पे ब्रोकन नहीं है। स्टेटस में आपका डन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जो इसके बेंचमार्क्स हैं, इसके हम बात कर लेते हैं। ये रहा भाई आपका Geekbench 5, ये रहा हिस्ट्री। सिंगल स्कोर यहाँ पे आपका 170 है, और जब आपका मल्टी स्कोर है ये आपका 968 है, जो और आप कह सकते हो ठीक है। क्योंकि आपको पता है यार अभी एंड्रॉइड 11 की रोम्स है, ऑलमोस्ट सारी रोम्स अभी मियन के लिए ये डेवलपमेंट में है, क्योंकि अभी इसमें बहुत बग्स है, और कोई कोई बग्स इसमें धीरे धीरे जैसे अपडेट्स आउट हो रही है बग्स भी धीरे धीरे फिक्स होते जा रहे हैं। ये आपका बेंचमार्क्स अपडेट ऑफ Geekbench 5 है। हम अब बात कर लेते हैं जो आपका मैसेज का। यहाँ पे सीरियल फाइल में यहाँ पे आपकी ट्रू है। जी पे मुझे कोई ऐसी स्पेसिफिक दिक्कत नहीं है कि भाई लॉगिन नहीं हो रहा या UPI ऐड नहीं हो रही है, ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी पे भी यहाँ पे आपका सक्सेसफुली वर्किंग है। सो सेफ इन डाटा हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देख सकते हो बेसिक इंटीग्रिटी में आपकी ट्रू है, सीरियल फाइल में यहाँ पे आपकी ट्रू है। सो इधर भी यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ भाई, जी पे भी मेरा तो वर्किंग है, मुझे तो यहाँ पे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ये वर्किंग नहीं है वो वर्किंग है, तो सब कुछ यहाँ पे मेरा जी पे वर्किंग है यार, इन शॉर्ट बोलूँ तो। सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपका डन हो चुका। अब मेन गाइस बात आती है कि भाई इसमें क्या क्या मुझे प्रॉब्लम आई। सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे फेस आई है कि जैसे ही आप रोम को इंस्टॉल करोगे मतलब फ्लैश करोगे फिर बूट होएगी, कि कोई भी जैसे आपको कॉल करेगा ना, जो इनकमिंग कॉल का मतलब जैसे किसी ने आपको कॉल करा, एग्जांपल देता हूँ, और आप मतलब उसका आप नाम ये सब नंबर ये सब नहीं देख पाओगे, तो उसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना। बहुत लोगों को पता भी होगा डिफॉल्ट ऐप्स में आपने जाना है। ये रहा भाई आपका डिफॉल्ट ऐप्स, और यहाँ पे आपने डिफॉल्ट ऐप्स में गए, यहाँ पे जो आपकी जो कॉलर आईडी और फ़ोन ऐप होगा ना, हाँ उसको यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है फ़ोन, मतलब डिफॉल्ट पे तो अनटिक होगा, यहाँ पे आपने फ़ोन पे टिक कर देना है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी फिक्स हो जाएगी। और कॉलर आईडी और स्पैम ऐप का भी फंक्शनलिटी आपने इधर कर देना, ये नन पे होगा, आपने इसको फ़ोन पे क्लिक कर देना मतलब टिक कर देना, तो ये भी चीज़ यहाँ पे आपकी फिक्स हो जाएगी। तो ये जो डिफॉल्ट ऐप्स वाला सीन था मतलब किसी की अगर आपको कॉल आती है वो भी चीज़ यहाँ पे आपकी फिक्स हो जाएगी, तो ये मुझे सही चीज़ लगी। अब सेटिंग में चल लेते हैं। यहाँ पे भाई आपका नेटवर्क इंटरनेट में बात आते हैं। बहुत लोग मुझे कह रहे थे और ग्रुप में भी कहा था कि भाई PM कर रहा था कि उनका जो मोबाइल डेटा वो यहाँ पे आपका वर्किंग है, तो आपने करना है जियो में जाना है। मैं तो भाई जियो की सिम यूज़ कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे आप सिम यूज़ कर रहे हो वो अलग होगा प्रोसीजर। एयरटेल का तो airtelgprs.com होगा, APN ऐड करना, बट हमारा तो भाई जो जियो वाला है वो आपका जियो नेट है। आपने करना है सबसे पहले ऐड यहाँ पे क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका APN नहीं होगा सिलेक्टेड। ऐड पे करने के बाद यहाँ पे सबको नेम ये सब फिलअप कर लेना, आपको दिखा देता हूँ ये करना भाई आपका। एक मिनट बैक चले गए, ये रहा नेम Jio 4G APN जियो नेट कर देना सेट, और नीचे आपको सब कुछ डिफॉल्ट रखना। बस APN का जो प्रोटोकॉल है उसको IP version 4 IP version 6 और APN का जो रोमिंग प्रोटोकॉल है उसको भी आपने डिफॉल्ट पे कर देना version 4 version 6। बैरियर का यहाँ पे आपने अनस्पेसिफाइड कर देना, डेट्स ऑल खत्म। इसको आपने
सेव करके फ़ोन को रिबूट कर देना है, जो आपका मोबाइल डेटा है वो भी यहाँ पे आपका वर्किंग होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, और एक और बात, जो आपका APN टाइप होगा ना उसको डिफ़ॉल्ट पे रख देना, और यहीं पे अगर जो एयरटेल वाले यूजर्स हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है airtelgprs.com, ये उनको यहाँ पे लिखना है। जियो वाला तो डिफ़ॉल्ट से ही काम बन जाएगा। ये सब करने के बाद फ़ोन रिबूट कर देना, आपका जो मोबाइल डेटा जैसे मेरे ऊपर 4G शो हो रहा है वो यहाँ पे आपका वर्किंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बता दी, ये तो बहुत इजी थी, बट किसी किसी को नहीं पता, उनके लिए बता रहा हूँ। सब कुछ यहाँ पे डन हो गया, तो मेरा मोबाइल 4G यहाँ पे वहाँ पे वर्किंग है, मोबाइल डेटा डन। अब कनेक्टेड डिवाइस को यहाँ पे प्रॉब्लम में ब्लूटूथ हो गया या आपका हॉटस्पॉट हो गया, तो ऐसे कोई इधर प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और बैटरी लेके बात करें, बैटरी ओवरऑल हम कह सकते हो ठीक है, मैं इतने भी कोई खास नहीं कहूँगा, बट सही है, मुझे आराम से 3-3.5-4 घंटे का SOT मिल जाता है। करंटली तो भाई 2.5 घंटे भी तक मैंने इसको यूज़ करा था, क्योंकि फुल चार्ज करा था मैंने इसको, वो तो बहुत पहले करा था, बट स्टिल। और यहाँ पे आपका डिस्प्ले सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे नाइट लाइट, वर्किंग एडेप्टिव ब्राइटनेस, वॉलपेपर, हाँ ये क्रैश नहीं हो रहा है जैसे हम क्लिक करते हैं स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स पे, तो यहाँ पे जो भी आपको चेंज करना है यहाँ पे हम चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट साइज हो गया, डिस्प्ले साइज स्मॉलेस्ट भी हो गया, स्क्रीन सेवर हो गया, यहाँ पे सब कुछ आपको वर्किंग, हाँ डार्क थीम भी वर्किंग है ये आप देख सकते हो। क्लॉक स्टाइल जो भी यहाँ पे आपको चेंज करने से, मैंने स्पाइडी वाला सिलेक्ट कर रखा, जो भी आपको करना है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले साउंड में, हाँ अब बात आती है ये रहा, लाइव कैप्शन यहाँ पे आपका वर्किंग है, सो ये अच्छी बात है, ब्रोकन नहीं है। और अगर आपको यूज़ करना है लाइव कैप्शन तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। और तो नीचे यहाँ पे मीडिया का हो गया, साउंड का ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एप्स नोटिफिकेशन स्टोरेज ऑक्टेवी लैब में यहाँ पे आप आ जाती है, जैसे स्टेटस बार में हम क्लिक करते हैं, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ ब्रोकन है आपका नेटवर्क, नेटवर्क जो ट्रैफिक है, जो आपका इंटरनेट इंडिकेटर है वो भी यहाँ पे आपका चीज़ ब्रोकन है, बट इसका भी फिक्स अवेलेबल है इसका बग, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे बग काउंट नहीं होगी, बिकॉज देखो यार गाइस जो भी चीज़ मतलब बग होते हैं ना, अगर उसका कोई फिक्स मिल गया तो वो फिर वो बग काउंट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको फिक्स मिला गया या कोई पैच मिला हुआ है तो वो चीज़ उधर से फिक्स हो जाएगी। और इसका भी ऐसा ही है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा कैसे जो आपका नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर्स को कैसे फिक्स करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थोड़ा आपको बिल्ड ड्रॉप में सब छेड़छाड़ करनी है, वो चीज़ यहाँ पे आपकी फिक्स हो जाएगी, तो ये इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ शो 4G LTE हो गया जैसे, ये तो आपको करना तो कर सकते हो। रोमिंग इंडिकेटर वोल्टी आइकन जो आपका वो वाईफाई का है, वो तो मतलब जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हो। छठे बार लॉक स्क्रीन का कोई ज़्यादा खास नहीं है इसमें। और नीचे आपका बटन्स में डिसेबल कीज़ हो गया अगर आपको करना है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें आपको एक पैच फ्लैश करना पड़ेगा अगर आपको ऑन्स की नेविगेशन बार यूज़ करनी है, वो आपको मैच के थ्रू पैच फ्लैश करना पड़ेगा, उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार यूज़ करना है, रादर आप हार्डर कीज़ भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और ये आप सब कुछ यहाँ पे आपका हो गया बटन्स में। और नीचे भाई आपका सिस्टम में चलते हैं तो ऑक्टेवी थीम्स हो गया, पावर मेन्यू हो गया, मिल्क्स में जाओगे तो वेकअप ऑन चार्ज और स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, और आपका नेविगेशन बार में नेविगेशन बार बटन्स एडिटर जो भी यहाँ पे आपको सेट करना है कर सकते हो, बट आपको सबसे पहले पैच फ्लैश करना पड़ेगा अगर आपको ऑन्स की नेविगेशन यूज़ करना है, सो उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। लोकेशन सिक्योरिटी में, हाँ अब मुझे एक और सही चीज़ लगी है कि इसमें आपको फेस अनलॉक भी मिलता है। करंटली फिंगरप्रिंट की स्पीड अगर हम बात करें जो, और आप कह सकते हो ठीक है यार थोड़ा स्लो है, बट आप कह सकते हो ओके है। अब एंड्रॉयड 11 है गाइस, इतना तो आप देखो वैसे रिकगनाइज हो नहीं रहा, थोड़ा बार बार इसको करना पड़ रहा है, बट इतना कोई खास मुझे मतलब फास्ट इफिशियंट लगा नहीं है अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें, थोड़ा क्या बहुत स्लो है। और फेस अनलॉक आपको मिलता है, यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो, बट अच्छी बात है क्योंकि ये ऑक्टेवी वर्जन 1.1 ऑफिशियल है, क्योंकि ऑफिशियल वाले में ही सिर्फ फेस अनलॉक इंप्लीमेंट मिलेगा, जो ठीक है, बट मियन के लिए हाँ फेस अनलॉक आपको मिलता है एक कम से कम एंड्रॉयड 11 की रूम में। प्राइवेसी एक्सेसिबिलिटी सिस्टम में चलते हैं, यहाँ पे आपका हाँ गेस्चर्स में आपका आ गए, क्योंकि इसमें आपको सारे गेस्चर मिलते हैं, जैसे आपका गेस्चर नेविगेशन हो गया या 2 बटन हो गया 3 बटन हो गया, सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बट अगर आपको दोबारा भी बात आती है अगर आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन यूज़ करना, तो भाई आपको पैच फ्लैश करना पड़ेगा थ्रू आपका मैजिस्क, यहाँ पे आपका हो गया। नीचे तो भाई आपका डिजिटल वेलबिंग हो गया, गूगल हो गया, शॉमी पार्ट्स में चलते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे ब्रोकन मुझे लगी है कि आपका सेलेक्स स्टेटस, अगर जैसे आप इसको इन्फोर्सिंग कर दोगे और जैसे आपने फ़ोन को रिबूट करा दोबारा ये परमिसिव पे आ जाएगा, तो ये चीज़ इधर अभी सारी एंड्रॉइड 11 रोम्स पे ब्रोकन हो रखी है, किसकी सेलेक्स स्टेटस की, सेलेक्स जो आपका मोड है अभी जैसे इन्फोर्सिंग में, जैसे फ़ोन को रिबूट करोगे दोबारा वो परमिसिव पे आ जाएगा। ये सब कुछ यहाँ पे आपका डन हो गया, शॉमी पार्ट्स वाला भी, और नीचे भाई आपका अबाउट फोन हो गया, डेट्स ऑल। देखो यार मैं अगर गाइस ओवरऑल कंक्लूजन निकालूं, रोम मैं कह सकता हूँ ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही बग है मुझे अभी तक जो लगा, आपको पता होगा वो है आपका बबल्स का, जो आपका चैट बबल्स है टेलीग्राम वाले, क्योंकि व्हाट्सएप वाला तो अभी सपोर्टेड ही नहीं है व्हाट्सएप की तरफ से, तो वो तो सीन नहीं है। बट हाँ अगर हम चैट बबल्स की बात करें तो इसमें अभी तक वो वर्किंग नहीं है, एक बग तो चले काउंट हो गया, दूसरा जैसे नेटवर्क इंडिकेटर का उसका भी पैच अवेलेबल है, तो वो तो उतना मैं काउंट नहीं करूँगा, बट हाँ एक जो बग है वो बबल्स का, वो इसमें आपका वर्किंग नहीं होगा, क्योंकि सी एड्रॉइड आप यूज़ कर सकते हो, उसमें चैट बबल्स वर्किंग है, 7.0 का नया अपडेट आउट हुआ है,
वो अगर आपको यूज़ करना कर सकते हो, बट ये मुझे थोड़ी रोम इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें बहुत कम बग्स है। मानता हूँ भाई सी एंड्रॉइड में भी आप कम बग्स हो चुके हैं क्योंकि इसका नया लेटेस्ट अपडेट आउट हुआ है, बट स्टिल अगर देखो आपको यूज़ करना है आप ऑक्टेवियोस वर्जन 1.1 यूज़ कर सकते हो। बट मेरी जो ओपिनियन होगी भाई अभी ना एंड्रॉयड क्यू रोम्स भी रहो, क्योंकि जितनी भी एंड्रॉयड 11 की रोम्स है अभी थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि सारी अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है, तो कोई अभी इसका फ़ायदा नहीं यूज़ करने का। इसलिए मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा मेरी परफॉर्मेंस कैसी, बैटरी बैकअप कैसा, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी अभी खास नहीं है यार, बहुत मतलब इतनी कोई खास नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है अभी जितनी आप कह सकते हो कि एंड्रॉयड की रोम इसमें थोड़ी बहुत रहती थी, बट इसमें इतनी नहीं है। हाँ बैटरी ओवर मैं कह सकता हूँ ठीक है, एवरेज कह सकता हूँ, कोई ज़्यादा ड्रेन ऐसा नहीं है ठीक है, क्योंकि मेन भी बहुत पुराना हो चुका है भाई और आपको सिर्फ 3080 mAh की बैटरी मिलती है कैपेसिटी, वो तो कम से कम ना 3500 ना 4000 है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे काउंट होती है, बहुत मैटर करती है, वो भी बहुत फैक्टर है एक बड़ा। सो मेरे हिसाब से यार एंड्रॉयड की रोम्स पे रहो, और रादर देखो आपको यूज़ करना है इसको आप यूज़ कर सकते हो ओनली एज अ डेली ड्राइवर, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बग्स नहीं है कि ये वर्किंग नहीं है वो वर्किंग नहीं है, सब कुछ तो आपका इसमें आपका ऑलमोस्ट वर्किंग है, सब कुछ मैंने आपको दिखा रखा, तो एज अ डेली ड्राइवर आप ये रोम यूज़ कर सकते हो, कोई आपको ऐसे इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी भाई ओपिनियन है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी शेयर करना भूलना, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। Okay, and one more thing, if you want to install this room on your Mi 11, installation video link will be also in the description too. Okay guys, see you next video mein. Bye. Jai Hind. Vande Mataram.